हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बिहार लाइफस्टाइल एंड कुकिंग चैनल में। आज मैं आप सबके लिए कटलेट रेसिपी लेकर आ गई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत सुपर टेस्टी होती है। तो चलिए चलते हैं किचन में और इसे ट्राई करते हैं। रेसिपी के घोल को बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच बेसन को लिया है, जिसको मैंने पहले से भून के रखा है, इसलिए इसकी क्लिप को मैंने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने घोल बना के रेडी कर लिया है। घोल में ओनली मैंने नमक का यूज़ किया है और परफेक्ट तरीके से इसे घोल बना के रख दिया है। इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम आलू को बॉयल करके अच्छे से छील लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटलेट के आलू को रेडी करने के लिए मैंने लिया है 1 पैन। इसमें ऐड किया है 1 छोटे चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इसकी जगह पे आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐड करिए 1 बड़े साइज की चॉप की हुई ऑनियन, जो बहुत बारीक मैंने चॉप कर लिया है। इसे हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे, इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। ऑनियन हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, इसमें चॉप किए हुए ग्रीन चिली को ऐड करेंगे। ग्रीन चिली आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसे स्पाइसी बनाऊंगी, इसलिए ग्रीन चिली को मैंने ज़्यादा ऐड किया है। इसे भी बराबर से मिक्स करते हुए हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है, इसे लो फ्लेम पे सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है, नहीं तो ऑनियन हमारी ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी, कटलेट हमारा स्वादिष्ट नहीं बनेगा। इसे बराबर से मिक्स करते हुए हल्का सा सॉफ्ट मैंने कर लिया है। आप देख सकते हैं ग्रीन चिली भी सॉफ्ट हो चुकी है। वैसे तो कटलेट में हम सिर्फ आलू का यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोरिएंडर, ऑनियन और ग्रीन चिली का भी यूज़ किया हुआ है। वैसे कटलेट हमारा बहुत स्वादिष्ट भी बनता है और बिल्कुल डिफरेंट बनता है। अगर कुछ डिफरेंट करना है तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आप देख सकते हैं कोरिएंडर को भी मैंने हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लिया। इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। कटलेट हम सब बनाते हैं, लेकिन मैंने इसे डिफरेंट तरीके से बनाया है, तो फ्रेंड्स एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसमें ऐड किया है मैंने 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ऐड किया है मैंने 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और कटलेट हमारा बहुत सुपर टेस्टी बन के रेडी होता है। आप देख सकते हैं सारे मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें मैस किया हुआ आलू को ऐड कर देंगे। आलू को बराबर से चलाते हुए मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे, ताकि आलू भी हल्का सा फ्राई हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसे बराबर से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने तक वेट करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन और थोड़े से मंगरेले को, जिसे कलौंजी भी बोलते हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और कटलेट हमारा बहुत स्वादिष्ट बनता है। फ्रेंड्स, जीरे को और अजवाइन को आप बिल्कुल स्किप ना करें, ऐसे फ्लेवर आपका बहुत अच्छा आएगा और कटलेट बहुत सुपर टेस्टी बनेगा। आप देख सकते हैं डो हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं सारे कटलेट को मैंने बना के तैयार कर लिया है। आप अपने चॉइस के मुताबिक इसके शेप दे सकते हैं। इसे फ्राई करने के लिए मैंने 1 पैन लिया है। इसमें 1 कप रिफाइन ऑयल को ऐड किया है। आप अपने चॉइस के मुताबिक ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से गरम करेंगे और जो बेसन का डो मैंने बना के रखा था उसमें डुबो के इसे फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से पलटते हुए हम इसे डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और दोनों साइड से पलटते हुए इसे डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत क्रिस्पी सा ये फ्राई होगा और बहुत झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आज का कटलेट रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को पुश कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप देख सकते हैं सारे कटलेट को मैंने आराम से इसे पलट दिया है। एक स्पैचुला या फोक की मदद से आप इसे पलट सकते हैं। फ्रेंड्स, कटलेट हम सब बनाते रहते हैं और इंजॉय करते रहते हैं। क्या इस ट्रिक के साथ आपके घर में कटलेट बनता है? अगर बनता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नहीं बनता है तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत स्पाइसी और बहुत क्रिस्पी होती है। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद हो और चाय के साथ कुछ इंजॉय करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और फैमिली के साथ इंजॉय करिए।
और आज के मेरी कटलेट बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। आप देख सकते हैं दोनों साइड से पलटते हुए मैंने इसे बहुत क्रिस्पी सा फ्राई कर लिया है। इसे हम किसी छन्नी की मदद से निकाल लेंगे ताकि ऑयल बिल्कुल हमारे कटलेट के साथ बिल्कुल ना आए। आप देख सकते हैं बहुत सुपर टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट ये बनके रेडी हो चुका है। ऐसे ही बारी बारी से सारे कटलेट को हम फ्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। प्लेट में निकलने के बाद से ये बहुत यम्मी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? क्या आपके घर में भी इस ट्रिक के साथ कटलेट बनता है? अगर बनता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही बारी बारी से डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और किसी प्लेट में हम निकालते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने दूसरे राउंड को भी फ्राई कर लिया है। मैं इसे प्लेटिंग करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि कटलेट हमारा बनके कैसा रेडी हुआ है। मैंने तो इसे इंजॉय किया चटनी के साथ। आप किस चीज़ के साथ इंजॉय करना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सुपर टेस्टी कटलेट बनके रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखते ही मुँह में पानी आ गया ना, तो देर किस बात की, किचन में जाइए ट्राई करिए और फैमिली के साथ इंजॉय करिए। घर में आए हो कोई मेहमान या करनी है शाम के साथ इंजॉय, तो इस कटलेट रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अपने मेहमान और फैमिली के साथ ज़रूर इंजॉय करिए। खास करके स्टार्टर के लिए भी इसे आप बना सकते हैं। ये बहुत सुपर टेस्टी और बहुत झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। इतना आसान रेसिपी आज तक किसी ने शेयर नहीं की होगी, तो फिर देर किस बात की। आप भी किचन में जाइए ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कटलेट कैसा बना था। अगर आपके घर में डिफरेंट तरीके से बनता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसे भी ट्राई करके आप सबके साथ शेयर करना पसंद करूँगी। और आप सबके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक कमेंट तो बनता है, तो प्लीज़ एक कमेंट करिए और बताइए कि मेरी कटलेट रेसिपी आपको कैसी लगी। मैंने तो इस कटलेट को पुदीने की चटनी और इमली की चटनी के साथ इंजॉय किया। आप किस चीज़ के साथ खाना पसंद करेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।